किसको राधे राधे। मैं दीपक को चैलेंज दे रहा हूँ, पूरा एक खजला खा जा, उसके बाद है ना तेरे को एक चॉइस दी, जो तू चाहेगा वो मिल जाएगा 10,000 रुपए तक। राधे राधे, बाय। तो गाइस मैं और दीपक जा रहे हैं फिर से पानी चेक करने एज ऑलवेज। और दीपक कौन सा लेवल चेक करने ज्यादा पानी का, वो तो ये जाने और मैं जानूं, आप ना जान पाओगे। तो पानी आ रखा पूरा हैवी फ्लो। तो गाइस जैसा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम नहीं चाह रहे थे, अपने पेड़ पौधे तो हो गए सारे के सारे खराब, बाढ़ का पानी फिर से आ गया। पहली बाढ़ में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे के सारे पेड़ पौधे मर गए, दो ही मरेंगे। बहुत हैवी लॉस हो गया, नेचुरल डिजास्टर है, क्या कर सकते हैं। चल भाई, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन मेरा बहुत ये बंदा खाली भी नहीं है फिर भी इतना बड़ा शैतानी दिमाग है ना इसका, पता नहीं क्या चलता रहता है। तो यार कम से कम गाड़ी ले लेगी 8-10 हज़ार रुपये। तो गाइस अगर आज किस्मत में रहा तो खाटू शाम चले जाएंगे, और वैसे भी गुलाब तो टूट नहीं रही है जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अरे ये नहीं सुधरेगा ना दीपक, सुधरेगा ही नहीं। अरे तो खास है अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है। तो भाई यार चल दिए, आज जा रहे हैं मैं और दीपक नुमाइश देखने के लिए, जो कि यहाँ पर मथुरा में एक सावन के महीने में एक मेला लगता है। छोटे छोटे थे जब हमारे पापा मम्मी लेकर जाया करते थे और हमें बहुत एंजॉय किया करते थे। मैंने एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी कि मैंने और दीपक ने दोनों ने रेड रेड पहन रखा है, कारण ये है कि दीपक की शादी तय हो गई है, तो उस वजह से थोड़ा सा लाल पंडित जी ने बताया कि शुभ होगा पहनना। क्या बात है। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, अभी उम्र ही क्या हमारी है, अभी 17 साल के तो हैं ही हम। नहीं यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी जो एज है वो 19 है और जो दीपक की एज है वो 20 कितना बोलूँ जल्दी बता दें, व्यूअर्स देख रहे हैं 21। अब चलती गाड़ी में तो क्या ही कर सकते हैं भैया। अभी हम कोई बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं जो कि उनके साथ रोक के फोटो वोटो क्लिक कराए हैं, ये क्रेज हो जाएगा एक दिन, लेकिन कोई बात नहीं। मटकते चटकते से आ गए हैं अभी हम रोड पर, मेन रोड पर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम। तो फिर चलिए चलते हैं फटाफट से, देखिए यहाँ का ये एलाइड न्यू जनरेशन स्कूल, अभी मस्त स्कूल। अरे यार दीपक की आँख में घुस गया है मच्छर, बिग प्रॉब्लम। अरे दिख रहा है, निकाल ले, निकल गया। फाइनली वी गॉट इट मैन। भाई यार 20 रुपए की पर्ची बताओ, हमारी तो बैटरी वाली है, हमारी तो 5 रुपए में हो जाने चाहिए काम। कोई बात नहीं, अभी भीड़ यहाँ पर बहुत कम है इसीलिए अभी झूले वूले चालू नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अरे लगा देते हैं यार 20 रुपए में क्या जा रहा है, अब घूम के तो आना ही है अंदर पूरा। ने कर दिया स्कूटी अपनी पार्क और हम चलते हैं अब अंदर मेला देखने, सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली वी रीच आवर लोकेशन और हम पहुंच चुके हैं मथुरा के श्रावण महोत्सव मेले में। राइट राइट गाइस, मैं बोल रहा था कि झूले वूले चालू नहीं, तेरे में इंजन चालू हो गया, झूले का देखो चालू भी हो गया, एक झूला चालू है लेकिन अभी इसमें तो झूला ही नहीं है साला कभी। इसमें दीपक को मौत आती है, दिखा दो इसको, दिखा दो। तो गाइस यार इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है आपको पता है, 5 मिनट का तो होगा गाइस ये लगभग 5, हाँ इतना तो होगा ही। हाँ जी वर्टिकल ब्लॉक्स। तो गाइस चलिए, अभी भीड़ तो है नहीं है तो हो सकता है कि अभी यहाँ पर ना बैठ पाए हम झूले में, लेकिन कोशिश करते हैं अगर हो पाया तो, मैं तो भाई झूलूंगा और दीपक झूले ना, वो ऐसा हो नहीं सकता, दीपक को तो मौत का फरमान आ जाता है झूले में बैठते ही। अरे साला मुंह निकल जाएगा। तो गाइस अभी तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं है, अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ है मामला। अभी तो जैसे है ना एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को रनिंग में लाने के लिए थोड़ा गर्म वार्म अप किया जाता है, वैसे ही ये कर रहा है अभी, वार्म अप चल रहा है अभी। यहाँ पर है ना मौत का कुआ, आज तक इसमें एक भी नहीं मरा, लेकिन फिर भी इसको मौत का कुआ क्यों बोलते हैं आई डोंट नो। सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यार। तो यार यहाँ पर है ना एकदम ही मजे वाली चीज आ रही है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है हम थोड़ा सा जल्दी आ गए यहाँ पर, अभी तक हमारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है टिकट पर काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए, और अकेले को तो ये जुलाएंगे नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो आएंगे कल या फिर यहाँ पर थोड़ी देर हम अभी रुकेंगे आधा एक घंटा। बोल दो चैनल सब्सक्राइब करें सभी और कमेंट करो। भाई यार मैं ना एक बार मौत का कुआ देख रहा था, वो पैसे वैसे देते हैं ना जब चलती हुई गाड़ी के लिए पैसे वैसे देते हैं, तो पापा के साथ गया था मैं, लेकिन उस बंदे ने कैसे अचानक से उंगली पकड़ ली और मैं एकदम से झटका लग गया, मैं गिर जाता, वास्तव में मौत के कुएं को मौत का कुआ ही हो जाता सच। मौत हो जाती मौत के कुएं। तो दीपक पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं गाइस ज्यादा वो लेना जिंदगी।
ऐसी जी चाहे जिंदगी है। तो गाइस इस झूले का टिकट है 60 रुपए मात्र। मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई चल झूल लेते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, तू मुझे 1000 रुपए देकर भी झुलाएगा, मैं तो ना झूलूं। अरे भाई इतना भी क्या डरना ना वाला, मैं नहीं झूलूं भाई इसमें, क्योंकि मेरे को पता है मुझे, क्योंकि एक दो मंजिल के में भी झूल चुका हूं मैं, और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, पर इसमें तो झूलूंगा ही नहीं। इसको लेकर जाएंगे। तो गाइस कुछ नए भाई अपने जो कि अभी तक तो सब्सक्राइबर नहीं थे लेकिन अब हो जाएंगे, आ रहे हो व्लॉग्स देखा करना, इसमें घूमेगा झूलेगा दीपक, इसमें तो झूल लेगा भाई, इसमें नहीं, ना 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 ना, इसमें तो मना नहीं कर सकता, मैं नहीं झूल सकता किसी में भी, अरे इसमें तो झूलेंगे। दिन का माहौल है, दिन को तो ज्यादा पब्लिक आती नहीं है, रात के टाइम आते हैं लोग। तो भैया ये कितने दिन हो गए यहाँ पे अभी सेटल हुए? 2-3 दिन में चालू हुआ है। 3 दिन में चालू हुआ है, तो अभी पूरी तरीके से कितने दिन में चालू हो जाएगा? 8 दिन लग जाएंगे पूरी तरीके चलने में। अच्छा, मुझे चलेगा मेरे को। तो जैसा कि भैया ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो यहाँ पर श्रावण मास का ये जो मेला लगा है ये 1.25 महीना चलेगा यहाँ पर रेगुलरली, जन्माष्टमी तक चलेगा। तो मथुरा वासी और जो भी व्लॉग को देख रहा है, जो भी मथुरा वृंदावन घूमने आ रहा है, सभी देखना है, सभी का स्वागत है। तो सभी बोलो राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। नया लगा है लेकिन बच्चों का ये व्यवस्था, तो काफी एक्साइटेड होते जा रहा है यहाँ पे जैसे जैसे दिन ढल रहा है। लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर अच्छी खासी लाइटिंग होगी और काफी अच्छा सुंदर दृश्य होगा देखने लायक, तो फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। सो लेट्स गो, थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समय लग जाएगा, 1/2 घंटे का, तो पहले चलो पेट पूजा कर लेते हैं कुछ। तो गाइस ये है हरिद्वार का खजला, साइज में इतना बड़ा रहता है, इसको काट के दिया जाता है आपको खाने के लिए हलवे के साथ। भैया क्या रेट है ये, क्या हिसाब से है? 100 रुपये का 1/2 किलो है गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है यहाँ। मैं दीपक को चैलेंज दे रहा हूँ, पूरा 1 खजला खा जा, है ना, पूरा 1 खजला खा ले और उसके बाद है ना तेरे को एक चॉइस दी, जो तू चाहेगा वो मिल जाएगा तेरे को 10,000 रुपये तक का। और कुछ मिल सकता है? नहीं, 10,000 तक का। अरे तो और क्या भाई, अब तू यो कहे भाई गर्लफ्रेंड को बनाए तो वो तुम्हें काम कर नहीं सकता। अब बता, मैंने इसको 10,000 रुपये तक का बोला है, चैलेंज दे दिया है, अब ये पूरा कर पाए तो करे। यहाँ पर 1 महीने लगेगा ये मेला, 1 महीने में कर ले कभी भी पूरा, बता। चलो ट्राई करेंगे, अभी नहीं, अभी अभी नहीं, लेकिन अगर हार गया तो हार गया तो कुछ नहीं, खजला फिर मुझे और खिलाना पड़ेगा, और जो ये खाएगा उसका भी इसको पेमेंट करना है। उसमें क्या है, वो तो कर दो। अरे वो तो कर देगा, पैसे वाली पार्टी है। तो गाइस मैं टेस्ट करने वाला हूँ, ये तो ज्यादा हाइजीन वाला बन रहा है, तो ये तो खा नहीं रहा, मैं तो भाई टेस्ट करूंगा, अपन देसी आदमी अपन सब कुछ खाते हैं। तो गाइस देखो इस तरीके से इन्होंने प्लेट में रख के दिया है, और अब टेस्ट करते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। अरे भाई गरम है, गरम है, ज्यादा ही गरम है ना। दीपक का मन तो कर रहा है, बस ये है कि ओ भाई ये तो बिल्कुल बहरा रहा, बहुत गरम है, खा लिया तू? अच्छा है गाइस, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया भाई। तो गाइस यार हमारा जो भाई है वो भी आ गया है, उसको लेकर आते हैं। राधे राधे भैया। भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी स्कूटी यही है, हम जरा भाई को पिकअप करके ले आए, दोबारा स्कूटी लगा देंगे, बस आ रहे हैं अभी जस्ट, है ना। भैया बहुत बड़े दिल वाले आदमी है, वो मान गए, वरना हमें लगा दोबारा से पर्ची कटवानी पड़ेगी। तो भाई थोड़ा सा तेल लगाने के बाद भैया मान गए, मजाक कर रहा हूँ यार, अच्छे आदमी थे मान गए। यार आज ब्लॉग बनाते बनाते मैं कुछ ज्ञान देता जाऊँगा आपको, सुनते जाइएगा। जीवन में 2-3 चीज़ें कभी मत कीजिए, एक तो 2 मत कीजिए और 1-3 मत कीजिए, बस यही था ज्ञान भाई, इस उम्र में इतना ही ज्ञान है हमें। तो यार बदकिस्मत ऐसी रहती, कभी कभी है ना चलते फिरते लोग हाई करते हैं कैमरे में, लेकिन यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि कैमरा जो है वो बैक की तरफ खुला रहता है, मेरी तरफ कोई बात नहीं है, लेकिन तो नेका तो खोल लिया अगर रोड किसी, और वैसे भी कहते हैं कि अगर बोलते हैं वो एक कहावत है ना कि मिल जाएगा अगर सभी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश है ये तो जीवन जीने का मजा देती है। यार वहाँ से खजला खाने के बाद हम इधर आ गए श्री जी स्नैक्स पर। पवन तुझे खाऊंगा, खा जाऊँ पिज़्ज़ा पेटीज एज ऑलवेज, इसका मेन्यू रोक, हाँ ब्रेक कर दिया, पूरी 3 साल पहले चालू किया था, उस पर हम पहले वाइन्स बनाते थे, कॉमेडी वाइन्स, लेकिन अब हमने व्लॉगिंग चालू की। भैया मिल गए थे क्योंकि थोड़ा सा इन्फो ले रहे थे हमारी, और ये अच्छी चीज है आप कर रहे हो व्लॉगिंग, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आपका चैनल पे जल्द से जल्द काफी सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच, आप आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। आपकी बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद,
और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी मिलेंगे तो कुछ कर चुके होंगे तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट नहीं आ रहा, वो आना चाहिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। अब की तो गाइस दीपक को लेना है एक आईफोन, तो मिस्टर मोबाइल की शॉप पर पहुंच चुका है। ये मुझे तो टाइटन चाहिए था। गोलगप्पे खा लेते हैं फिलहाल। दीपक का और मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा।